छतरपुर जिले में इन दिनों कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। यही वजह है कि जिले भर में आए दिन घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अपराधी बेलगाम होकर आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला गाड़ी मलहरा थाना क्षेत्र के निवाड़ी में देखने को मिला है, जहाँ पर दारू बेचने के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट की घटना भी सामने आई। वहीं बताया जा रहा है कि एक पक्ष निवाड़ी के आसपास दारू बेचता है, तो वहीं दूसरा पक्ष शराब कंपनी के गुंडे बताए जा रहे हैं। बेलगाम अपराधी पुलिस के सामने फायरिंग करते और मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे देखा जाए तो न्याय के लिए पीड़ित पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस के सामने ही अपराधी बेखौफ होकर मारपीट और फायरिंग करने लगे, तो फिर किससे न्याय की उम्मीद की जाए। ये भी कुछ समय पहले की घटना है, निवारी थाना गढ़ी मलहरा के, जिसमें झगड़े की सूचना पहनर डेली वहाँ पहुँची थी और उस समय कुछ विवाद इसमें हो रहा था। टीमें हमारी पहुँच गई हैं, SDP स्पॉट में ही है और थाना प्रभारी भी हैं। पहले हमारा फोकस है इसमें सभी को राउंड अप करने के लिए, और प्रारंभ किसी विवाद का कुछ आ रहा है कि इसमें शिवम पाल और रंजन ठाकुर हैं, जो गढ़ी मलहरा से निवाड़ी तरफ जा रहे थे, उनको कुछ लोग घेर के प्लानिंग कर रहे थे, मारपीट की है उनके साथ में। तो इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।